नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत, आज बात करेंगे, जमशेदपुर के गोविंदपुर अंतर्गत मौजूद हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं जो जिस चौक पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कोई भी लोकेशन नहीं है, कोई भी दिशा नहीं है, जिससे कि बाहर से गोविंदपुर से बाहर से जितने भी लोग आते हैं तो उन्हें कुछ भी लोकेशन नहीं मिल पाता है, कोई भी सही दिशा एड्रेस का नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और वो सही जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। उस क्रम में कहीं ना कहीं जो है लोगों को परेशानी भी होता है, कई क्षेत्र से बाहर से लोग आते हैं और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे जो जमशेदपुर गोविंदपुर के कुछ लोग सामाजिक लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ समाजसेवी भी हैं और कई स्थानीय नेता भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। और इस चौक का कुछ नामांकन रखा गया है, जिनका एक नाम रखा गया है कि लोग आए तो कहीं ना कहीं जो है उनको किसी भी जगह पर जाने में कोई परेशानी ना हो और न किसी भी दिशा में भटकने की उनको कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर हम बात करेंगे। सीधे कड़ी में हमारे साथ जो है जमशेदपुर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं राधेश्याम जी, इन पे बात करेंगे इनसे सीधे तौर पर। क्या कुछ आज क्या नाम रखा गया है, क्या अनावरण हुआ है, किस चीज़ को लेकर? कई एक वर्षों से जनता के यहाँ परेशानी हो रही थी तो मन में बहुत पहले से ही आया था कि इस चौक का नामकरण कर देना है कि जनता को कष्ट नहीं हो। जनता भटक जाती थी, टेम्पू भी कई कार्या भी लोग परेशान रहते थे खोजने में, इसलिए मेरे मन में आया कि अपने माननीय निर्विरोध जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल जी के नाम से ही चौक को हम नाम रख दें और जनता की परेशानी यहाँ से दूर हो जाए, ये मेरे मन में चल रहा था। उनकी 15 अगस्त को इसलिए इसका हमने उद्घाटन किया, इनका नामकरण कर दिया। आज उनका पुण्यतिथि भी है, इसलिए सारे विपक्ष के लोग भी, दल के लोग भी, सब लोग सर्वोच्च नेता देश के थे, उन्हीं के नाम पर इस अटल चौक का मैंने स्थापना किया। कब से मन में आई थी कि इस तरह से यहाँ पर? साल भर पहले से ही इस मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम इसको अटल चौक बनाकर जनता भटकते रहती इसका समाधान कर दें। लोगों को कितने परेशानी होता था पहले? काफ़ी परेशानी होती थी, चारों तरफ लोग भटकते रहते थे, घूमते रहते थे कि भाई फलना कहाँ है, फलना कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, लोकेशन नहीं मिल पाता। मुख्य चौक है ये, मुख्य चौक है गोविंदपुर का, मुख्य चौक है मेन रोड का। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, ये जो चौक आप जहाँ हम लोग खड़े हैं ये गोविंदपुर में प्रवेश का मुख्य मार्ग है और हम लोग ये नहीं बता पाते थे कहाँ से घूमना है। कोई अगर बाहर से आ रहा है और इसके बाद राम मंदिर और आगे के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनके साथ दिक्कत होती थी, वो बता नहीं पाते थे कहाँ से मुड़ना है, क्या मुड़ना है। अब सही डायरेक्शन, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता था, इसीलिए इस चौक का नाम हम लोगों ने देखा कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष रहे अटल जी, जिनका कि सभी दूसरे दल के लोग भी सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव हम लोगों ने किया अटल जी के रूप में कि अटल जी का नाम रहेगा तो किसी सभी लोग उसको सम्मान की दृष्टि से भी देखेंगे और लोगों की सुविधा की दृष्टि से भी ये अति उत्तम कार्य था। ये जैसा कि राधेश्याम जी ने बताया, ये चर्चा आपस में वर्ष भर पहले से चल रहा था तो इसका शुभ दिन हम लोगों ने देखा कि 15 अगस्त के दिन जो है ये कार्य, इस कार्य को अंजाम दे दिया जाए और सभी तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता और जनता में से की भागीदारी थी, लोगों ने मिल करके इसका नाम अटल चौक के रूप में स्थापित किया। हम लोग इसके भागीदार रहे, इसकी खुशी भी है हमें। लोगों को कितने इससे आसानी होगा? लोगों को अब आसानी होगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको अगर राम मंदिर जाना है तो बोले कहाँ से मुड़ना है, तो अटल चौक से मुड़ जाना भाई। हाँ, ये एक रिनाउंड प्लेस हो जाएगा जहाँ से कि आदमी को आसानी होगी, गाड़ी घोड़े वाले भी आएंगे तो वो अटल चौक से मुड़ना उनको कहा जाएगा तो वो आसानी से यहाँ से घूम करके और गंतव्य तक पहुँच पाएंगे, ये सुविधा होगी। अटल चौक नाम क्यों पड़ा है तो आप समझ में आई गई होगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक अटल विचार मंच का भी गठन किया है जिसके संरक्षक राधेश्याम सिंह हैं और संयोजक चंद्रशेखर जी को बनाया गया है। कमिटी और का विस्तार होगा, बैठक करके बड़ी बैठक करेंगे। हाँ, अटल विचार मंच भी जो है तभी गठन कर दिया गया है। नाम रखा गया है क्या? ये अटल चौक नाम रखने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि लोग जो भटक जाते थे गोविंदपुर में घुसे, उनको अगर गोविंदपुर हॉल्ट जाना है, गोविंदपुर हॉल्ट कहाँ से मुड़ेंगे भैया, पीके प्रेस मेडल जाना है कहाँ से मुड़ेंगे भैया, कोई बाहर से लड़का आया, बच्चा आया, राजेंद्र इंटर कॉलेज यहाँ पर है, राजेंद्र इंटर कॉलेज जाना है तो एक जगह तो होना चाहिए था जहाँ से बताया जाए। अब कोई भी व्यक्ति घुसेगा, कोई भी बच्चा बाहर से आएगा, कहाँ जाना है?
राजेंद्र इंटर कॉलेज जाना है, ठीक है भैया अटल चौक से दहने मुड़ जाइए, पीके प्रेस मेटल जाना है कहाँ से मुड़ना भैया वहाँ अटल चौक से बाएं मुड़ जाइएगा, हमको गोविंदपुर हॉल्ट जाना है, गोविंदपुर बस्ती जाना है, सुंदरनगर के लिए जाना है तो अटल चौक के पास से मुड़ जाइए। तो ये मुख्य चौराहा था, इसका नामांकन जरूरी था, इससे समुचित लोगों को आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं कि अब किसी भी क्षेत्र से अगर जमशेदपुर गोविंदपुर में आप इन करते हैं तो यहाँ पे खास करके जो देख रहे हैं कि अंदर जितनी बस्तियाँ हैं लगभग देखेंगे कई सारे ऐसे बस्ती हैं जिनको कि अब लोगों को यहाँ पर अगर आपके आप खोजबीन करेंगे या पूछेंगे बस्ती का नाम तो अब आपको आसानी से वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में मंजीत जमशेदपुर झारखंड।